हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीएमएस संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिवैलिडेशन इन एडवांस ऑथराइजेशन। रिवैलिडेशन इन एडवांस ऑथराइजेशन होता क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि एडवांस ऑथराइजेशन में इंपोर्ट करने की वैलिडिटी 12 मंथ की होती है। तो आप किन्हीं कारणों की वजह से इस 12 मंथ में अगर इंपोर्ट नहीं कर पाए तो डिपार्टमेंट आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिनसे आप अपनी वैलिडिटी इनक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, आपको दो बारी रिवैलिडेशन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर। तो मान लीजिए आपने 12 मंथ्स के अंडर इंपोर्ट नहीं कर पाए तो आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं CLA में, ताकि आपके एडवांस ऑथराइजेशन की जो वैलिडिटी है इंपोर्ट करने की वो 6 मंथ्स बढ़ जाए। तो उसे बोलते हैं फर्स्ट रिवैलिडेशन। अगर आप 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स ऑफ फर्स्ट रिवैलिडेशन में भी इंपोर्ट नहीं कर पाए तो आप एक और रिवैलिडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंड रिवैलिडेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिवैलिडेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, हाउ कैन यू अप्लाई फॉर फर्स्ट रिवैलिडेशन। फर्स्ट रिवैलिडेशन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको CLA में रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको 500 रुपीज़ की फीस सबमिट करनी पड़ती है DGFT पे, DGFT के पोर्टल पे जाके, ऑनलाइन ई-कॉम सर्विसेज पे जाके, वहाँ पर आप फर्स्ट रिवैलिडेशन की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? ANF-1, जैसा कि आप मेरे पेज पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने ANF-1 के बारे में बताया हुआ है, प्रोफाइल ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर। ANF-4D, ANF-4D के अंदर आप रिक्वेस्ट देंगे कि रिवैलिडेशन ये हमें उसके अंदर देनी है, जैसे कि ANF-4F हम रिडेम्पशन के केस में सबमिट करते हैं, ANF-4A इश्यूएंस के केस में सबमिट करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन में, तो इसी तरह रिवैलिडेशन के केस में हम ANF-4D सबमिट करते हैं। नेक्स्ट हमें सबमिट करना है इस डॉक्यूमेंट्स में पार्ट एच इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है, मतलब आपको कोई शिपिंग मिला है, तो आप उसकी डिटेल्स एक्सपोर्ट में डालिए, पार्ट एच एक्सपोर्ट में डालिए, और अगर आपकी कोई बिल ऑफ एंट्रीज हैं तो आप उसकी डिटेल पार्ट ऑच इम्पोर्ट में डालिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के अंदर हम सारी डिटेल्स देते हैं कि हम रिवैलिडेशन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, रिवैलिडेशन में आपने कौन कौन सी फाइल लगाई हुई है, मतलब कितने शिपिंग बिल लगाए हैं, कितनी बिल ऑफ एंट्री लगाई है, आपका IC क्या है, ये सारी डिटेल्स हम कवरिंग लेटर के अंदर देते हैं। और फिर हमें सबमिट करना पड़ता है कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री और कॉपी ऑफ शिपिंग बिल। अगर आपके जितनी भी बिल ऑफ एंट्री है, कॉपी ऑफ शिपिंग बिल्स है, वो सेल्फ अटेस्टेड करके, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है। बस इतने से ही डॉक्यूमेंट्स थे। 500 की फ़ीस है और ये 5 डॉक्यूमेंट है, इनको आप सबमिट कीजिए और रिवैलिडेशन बहुत आसानी से मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकेंड रिवैलिडेशन के बारे में, और फिर उससे नेक्स्ट मैं EOP के बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।